देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो बस है ये मसूरी देहरादून मार्ग पर अनियंत्रित हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी बारिश है, जिसकी वजह से स्केटिंग बस अपनी स्पीड पर नियंत्रण नहीं रख पाई और अनियंत्रित होकर खाई में गिर गए। गनीमत ये रही कि जहां ये बस गिरी है वो ज्यादा गहरी खाई नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जो हमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो 17 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना मिल रही है। बाकी लोगों की अभी ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं पता चल रही है कि किसी की कोई डेथ जैसी कोई घटना अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 108 एम्बुलेंस मौके पे पहुंच गई है और पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची भी है। और अभी कुछ ही देर में इस पूरी घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी आ जाएगी। अब मैं भी रास्ते में हूँ और थोड़ी सी देर में मैं खुद पहुंचूंगा और फिर मैं आपको लाइव फोटोज वगैरह सब दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी अभिषेक अभी तक खबर मिल पाई होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बस जिस हालत में है वहां पर विषम परिस्थितियां हैं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, पहाड़ वाला इलाका है। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए विषम परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, पूरे ही उत्तराखंड में इस स्थिति को हम सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि यहाँ SDRF और पुलिस पहले से तैयारियां रखती है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ रस्सी और तमाम तरह की चीजों का यहाँ रखा जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मौसम खराब है, तो मौसम खराब की वजह से मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है पुलिस को भी, और वहाँ जो लोकल्स हैं वो लोकल लोगों ने भी पुलिस के साथ मिलके आप देख सकते हैं कैसे लोगों को निकाला जा रहा है और बाहर निकाल कर और ज्यादा से ज्यादा मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लेते रहेंगे जैसे ही आप मौके पर पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।